हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज हम डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे हमने लास्ट टू वीडियोस में कुछ पज़ल सॉल्व करे थे फिर लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे लॉजिकल प्रोपोजिशंस के इस वीडियो में हम लास्ट टू वीडियोस में जो कवर करा था उससे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे दो और पज़ल सॉल्व करेंगे हम आज ये थोड़े आज मेरे को ये दोनों पजल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं दिज आर वन ऑफ माई फेवरेट्स तो आई होप आप लोगों को भी ये सॉल्व करने में मज़ा आएगा So, so, क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करेंगे ये है स्टीव वुड लाइक टू डिटर्माइन द रिलेटिव सैलरीज ऑफ थ्री को वर्कर्स यूजिंग टू फैक्ट्स फर्स्ट ही नोज दैट ए फ्रेड इज नॉट दाइस्ट स्पेड ऑफ द थ्री देन जानेस सेकेंड ही नोज दट जानिस इज नॉट दोएस पेड देन मैगी इज पेड द मोस्ट इज इट पॉसिबल टू डिटर्माइन द रिलेटिव सैलरीज ऑफ फ्रेड मैगी एंड जानिस फ्रॉम वॉट स्टीव नोज इफ सो हु मोस्ट एंड हु द लीस्ट ओके चलो हमने क्वेश्चन देख लिया क्या है हम एक बार इसको वापस पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस क्या है वुड लाइक टू टू डिटरमाइन द रिलेटिव सैलरीज ऑफ थ्री यूजिंग फैक्ट्स मतलब हमें तीन कोवर्कर्स की रिलेटिव सैलरी बतानी है रिलेटिव सैलरी मतलब कोवर्कर वन की ज्यादा है टू की ज्यादा है थ्री की ज्यादा है सबसे ज्यादा किसकी है सबसे कम किसकी है और जो तो वो कौन है और हमें गिवन क्या क्या है यूजिंग टू फैक्ट्स हमें दो फैक्ट्स गिवन है फर्स्ट फैक्ट क्या है फैक्ट इफ फ्रेड इज नॉट दाइस्ट पेड ऑफ द थ्री द्री देने अगर फ्रेड हमारा सबसे मोस्ट पेड मेंबर नहीं नहीं है employee नहीं है एम्प्लॉय देन है मतलब या तो फ्रेड है इफ फ्रेड इज नॉट देन जानसिसकेंड फैक्ट क्या है इफ जानिस नॉट पेड द मैंगी इज नॉट द लोएस्ट पेड देन मैगी इज पेड द मोस्ट तो हमें ये दोनों फैक्ट्स गिवन है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो क्वेश्चन में समझ को इसको कुछ अपनी रिलेटिव थिंकिंग जो भी कंडीशन इसमें हमें गिवन गए उनको आप प्रोपोज के थ्रू लिख के आप लॉजिकल देखना देखो अपना आंसर अच्छा बनाओ क्या होता है एंड उसके बाद आप वीडियो आगे कंटिन्यू करो और हम साथ में सॉल्व करेंगे आई होप आप लोगों ने खुद से एक बार ट्राई करा है तो चलो हम साथ में सॉल्व करते हैं हमें जो दो फैक्ट्स गिवन है वो क्या क्या है If फ्रेडी इज नॉट पेड द मोस्ट देन Janice इज अगर फ्रेड को सबसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे तो जानस को मिल रहे हैं तो मैंने यहां पे एक विजुअलाइजेशन के लिए तीन वो बनाए हैं इसको मैं बोल सकता हूं कि इस यूजर को सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है इसको उससे कम और ये सबसे लीस्ट पेड तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं या तो फ्रेड आएगा या फिर जानिस फ्रेड को मैंने एफ से डिनोट करा और जानस को जे से तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है इफ नॉट फ्रेड देन जानेस अगर हमारा फ्रेड मोस्ट पेड नहीं है तो Janice है पेड पेड मैगी तो यहाँ पे मोस्ट में आ ही नहीं सकती क्यों बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडीशन तो सेकेंड कंडीशन क्या कहती है इफ जानिस नॉट लोएस पेड अगर जानस हमारी लोएस्ट पेड नहीं है देन मैगी इज पेड द मोस्ट अगर जानिस हमारी लोवेस्ट पेड नहीं है जानिस हमारा यहां पे नहीं आता तो मैगी इज पेड द मोस्ट तो सेकेंड कंडीशन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रिक हमारे फर्स्ट वाले से तो देखते हैं हमारा क्या क्या कंडीशन बन सकती है एक तो हमने देख लिया कि यहां पे फ्रेड आ सकता है तो जानिस आ सकती है मैगी आ ही नहीं सकता तो हम सिंपल सा करते हैं दो केस बन रहे हैं दोनों केस बना के देख लेते हैं हम पहले बनाते हैं कि हमारा मोस्ट पेड है जानेस ये आंसर नहीं है मैं सिर्फ अज्यूम करके चल रहा हूं मेरे को पता है कि या तो फ्रेड हो सकता है या तो जानिस हो सकता है तो मैंने कंडीशन वन ली जानिस इज मोस्ट पेड तो अब मैं जो सेकेंड स्टेटमेंट है जो सेकेंड फैक्ट है उससे देख लूँ कि हम क्या डिराइव कर सकते हैं अब ये कह रहे हैं कि इफ जानिस नॉट लोएस्ट पेड मतलब जानिस क्या मेरी जानिस लोएस्ट पेड है नहीं है जानस तो मैक्सिमम पेड है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू है जानिस इज नॉट लोएस्ट पेड देन मैगी इज पेड द मोस्ट मतलब यहाँ पे भी मैगी आनी चाहिए बट यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑलरेडी है मोस्ट मोस्ट पेड एम्प्लॉय तो मैगी तो नहीं आ सकती तो यहाँ पे क्या हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे फ्रेड या जाइनेस आ सकते हैं तो हमने देखा कि जानस भी यहां पे नहीं आ सकती तो हमारे यहां पे जानेस नहीं आ सकती महंगी नहीं आ सकती तो मेरी कंडीशन फिक्स हो गई यहां पे, फ्रेड आएगा ठीक है अब हम सेकेंड वाला देखते हैं अब जो सेकेंड कंडीशन है उससे ही हमारा काफी क्लियर हो जाएगा सेकेंड कंडीशन हमें कहती है इफ जानस इज नॉट लोएस पेड अब जानिस इज नॉट लोएस पेड अगर यहां पे जानेस आती है मैगी इज पेड द मोस्ट अगेन ये कॉन्फ्लिक हो गया क्यों क्योंकि यहां पे तो फ्रेड इज पेड द मोस्ट तो जानस हमारी यहां पे भी नहीं आ सकती तो जानस हमारी आएगी लोएस्ट पेड तो हमने इन दोनों कंडीशन से निकाल लिया कि फ्रेड इज आर मोस्ट मैक्सिमम पे पेड एम्प्लॉय जैन इज लीस्ट पेड तो जगह क्या बची बीच की तो मैगी फ्रेड मैगी जैनिस तो हमारा आंसर क्या होगा इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सैलरी फ्रेड मैगी जानिस आई होप आप सबको ये क्लियर था ये स्लाइटली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन बस हमने इसलिए डिस्कस करा कि आपको थोड़ा वार्म अप हो जाए सेकंड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है आई होप आपको वो करने में मजा आएगा सो so, आगे बढ़ते हैं चलो गाइज फिर हम आज का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको ये जीवरा पजल के नाम से भी जाना जाता है एंड आइंस्टाइन पजल से नाम के नाम से भी ये जाना जाता है ये काफ़ी फेमस पजल है मुझसे तो ये काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है ये काफी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है तो अगर आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये आपको यूजफुल रहेगा सो स्टार्ट so, करते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है फाइव मैन विद

The Italian drinks tree. The Norwegian lives in, a, in the first house on the left. The greenhouse is immediately to the right of the white one. The photographer breeds snails. The diplomat lives in the yellow house. Milk is drunk in the middle house. The owner of the greenhouse drinks coffee. Norwegian's house is next to the blue one. The vorist drinks orange juice. The fox is in फॉक्स इज इन हाउस नेक्स्ट टू the ऑफ द फिजिशियन दॉर्स इज इन हाउस नेक्स्ट टू दैट ऑफ अ डिप्लोमैट ओह काफी सारे इंफॉर्मेशन गिवेन है यहाँ पे तो अगेन तो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से ट्राई करो फिर हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए हम करेंगे क्या इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा गिवेन है तो हम क्या ट्राई करेंगे कि जो जो हमें फाइंड करना है जैसे हमें पता है कि पांच लोग हैं डिफरेंट हाउसेज हैं डिफरेंट जॉब्स हैं नेशनलिटीज हाउस कलर पेड ड्रिंक्स तो हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं आप कैसे भी बना सकते हो चा, चाहे तो ये जो है नेशनलिटी जॉब हाउस कलर पेड ड्रिंक्स इनको रोज में रख सकते हो या फिर इनको कॉलम में रख सकते हो जैसा आपको ईजी लगे एंड जो बाकी की गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप साथ में एक बार खुद से लिखो आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि हमें क्या क्या गिवन है तो हम पहले वो टेबल बनाते हैं फिर उसमें जो जो गिवन है हम उस तो टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं मैंने टेबल थोड़ी सी बना के रखी है पहले से आ, थोड़ा सा मेसी हो रखा है बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है जो ऊपर की दो लाइंस हैं ये हैं जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है टेबल मेरी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है जो नीचे की दो लाइंस हैं अगेन वो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैंने लिखी हुई है तो नेशनैलिटी जॉब हाउस कलर पेड ये मेरी टेबल है ये ब्लैंक उसके सेल्स हैं यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो जो हमें फाइंड करना है और जो जो एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन गिवेन है वो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए रेड पेन से हमें पता है कि नॉर्थवेगियन सबसे लेफ्ट वाले घर में रहता है तो ये मेरा हाउस वन है अगर मैं एच वन हाउस टू हाउस थ्री ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको तो हमें पता है कि जो सबसे लेफ्ट में वो नॉर्वेगियन है उसके राइट right, राइट right में जो घर है वो ब्लू कलर का है और जो मिडिल में घर है वो मिल्क पीत है हमें ये तीन एकदम क्लियर कट गिवन गिवन है है बाकी की हमें रिलेशंस रिलेशंस में है, मतलब डॉग इंग्लिश मैन लिव्स इन द रेड हाउस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो उससे मैं कुछ डायरेक्टली टेबल फिल नहीं कर पा रहा हूँ तो ये तो एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो फिल कर ली मैंने अब हम आगे की देख सकते हैं हम क्या क्या फिल कर सकते हैं जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे तो हमें पहले गिवन है स्पैनियन ओन्स अ डॉग मेरे को फर्स्ट हाउस की नेशनलिटी पता है नॉर्थे तो क्या इसका पेट डॉग हो सकता है नहीं क्योंकि डॉग तो स्पेनियड है तो मैं यहां पे ऐसे छोटा सा डी लिख देता हूं और उसके साथ एक क्रॉस डॉग नहीं है अब उन्होंने बोला इंग्लिश मैन लिव्स इन रेड हाउस तो नॉर्वेगन का हाउस कलर रेड भी नहीं हो सकता जापनीज इज अ पेंटर तो उसकी जॉब पेंटर भी नहीं हो सकती इटालियन ड्रिंक्स ट्री तो उसकी ड्रिंक टी भी नहीं हो सकती एंड मिल्क भी नहीं हो सकती उसके बाद हमें बताया है कि व्हाइट के जस्ट राइट में ग्रीन हाउस है तो क्या इसका कलर वाइट हो सकता है नहीं हो सकता क्यों क्योंकि तो इसके राइट में ब्लू है सेम रीजनिंग से इसका कलर ग्रीन भी नहीं हो सकता क्योंकि तो ग्रीन के जस्ट लेफ्ट में व्हाइट होगा ये तो सबसे फर्स्ट घर है तो उसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं और बोला कि ग्रीन हाउस वाला कॉफी पीता है तो इसकी ड्रिंक कॉफी भी नहीं हो सकती ये तीनों के लिए कैंसिल हो गया टी मिल्क कॉफी नहीं है फोटोग्राफर ब्रीच अब मेरे को जॉब का नहीं पता कि क्या है मेरे को पता है कि पेंटर नहीं है लेकिन फोटोग्राफर हो सकता है तो फोटोग्राफर और स्नेल्स में इस नेशनलिटी के लिए कुछ नहीं कह सकता अभी फिर आते हैं डिप्लोमैट लिव्स इन येलो हाउस तो मुझे पता है इसके घर का कलर रेड नहीं है व्हाइट नहीं है ग्रीन नहीं है एंड ब्लू भी नहीं है तो कौन सा कलर बचा मैं देख सकता हूं एक दो तीन चार चार कलर को मैं मना कर चुका हूं टोटल पांच घर हैं। तो पांचवा कलर कौन येलो तो इसके हाउस का कलर क्या हो गया मैं बाकी सब रेस इरेज कर देता हूं तो इनके हाउस का कलर हो गया येलो और इनके हाउस का कलर येलो हो गया तो इनकी जॉब क्या हो गई डिप्लोमैट तो अगर इनकी जॉब डिप्लोमैट हो गई तो इनका पेट स्नेल हो सकता है नहीं हो सकता तो इसके आगे भी है क्रॉस अब हम आते हैं इस कंडीशन पे वॉरनेस्ट ड्रिंक्स ऑरेंज जूस तो क्या इसकी जॉब वॉरनेस्ट है नहीं है तो क्या ये ऑरेंज जूस पी सकता है नहीं ऑरेंज जूस को मैं ओजे से डोनीट कर रहा हूं अगेन ड्रिंक में देख सकता तो हूं चार नोज आ गए टी मिल्क कॉफी ऑरेंज जूस चार नोज आ गए तो पांचवा ये होगा एंड इन चारों के अलावा क्या है पांचवा ड्रिंक मिनरल वाटर ये इसका इसका पहला पार्ट था करेक्ट हमने बेसिक रीजनिंग से कितनी आसानी से इसको ढूंढ लिया और जो हमारी लास्ट कंडीशन है डिप्लोमैट के नेक्स्ट हाउस में हॉर्स है तो जो फर्स्ट नॉर्वेजियन की डिप्लो जॉब डिप्लोमैट है तो so डिप्लोमैट के नेक्स्ट में हॉर्स है तो ये भी मैं क्लियरली यहां पे लिख सकता हूं तो ये एक हमारा फर्स्ट कॉलम काफ़ी हद तक बढ़ गया है अब सिमिलर लॉजिक से मैं अपने आगे के कॉलम्स भरने की कोशिश करता हूँ तो जो मेरी सेकेंड हाउस है, है इसकी नेशनलिटी स्पानिया ओन द डॉग इसका पेट हॉर्स है तो इसकी नेशनलिटी स्पानी नहीं हो सकती और नॉर्वे भी नहीं हो सकती क्योंकि वो हाउस बन की है इंग्लिश मैन लिवज इन रेड हाउस इसका हाउस कलर ब्लू है तो ये इंग्लिश भी नहीं हो सकता जापानी पेंटर इसकी जॉब हमें नहीं पता क्या है तो इसकी नेशनैलिटी जापानीज हो सकती है मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूं और साथ में क्या बोल रहे हैं इन्होंने पेंटर पेंटर के आगे भी एक मार्क। इटालियन ड्रिंक्स टी इसकी ड्रिंक हमें नहीं पता क्या है. तो इसकी नेशनलिटी इटालियन भी हो सकती है इसकी ड्रिंक टी हो सकती है ग्रीन हाउस में जो रहता है वो कॉफी पीता है तो इसकी ड्रिंक हमें पता है कि कॉफी नहीं है मिल्क नहीं है और मिनरल वाटर मैं एमडब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूं नहीं है फोटोग्राफर ब्रीच स्नेल्स इसका पेट हॉर्स है स्नेल्स नहीं है तो उसकी जॉब फोटोग्राफर नहीं हो सकती तो अगेन डिप्लोमैट नहीं हो सकती फोटोग्राफर नहीं हो सकती वॉलिनेस्ट ड्रिंक्स ऑरेंज जूस इसकी वॉलिनिस्ट जॉब है तो जॉब इसकी वॉलिनिस्ट हो सकती है हमें नहीं पता तो मैं यहां पे भी एक क्वेश्चन मार्क वॉलिन के आगे क्वेश्चन मार्क और ऑरेंज जूस आगे भी क्वेश्चन मार्क यहां पे तो कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा तो ऐसा करते हैं हमें इसकी नेशनैलिटी पता है चलता जापानीज हो सकती है या तो इटालियन हो सकती है हम दोनों एक एक बार करके अज्यूम करके चलते हैं फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है तो अगर मैं अज्यूम करूं इसकी नेशनैलिटी जापानीज है तो जापानीज के किस क्या पता है मुझे जापानीज इस जाप पेंटर तो उसकी जॉब पेंटर हो जाएगी हो सकती है अब हम ड्रिंक चेक करते हैं ड्रिंक के हमारे पास दो ऑप्शन है या तो टी या तो ऑरेंज जूस लेकिन हमें पता है कि इटालियन ड्रिंक्स टी तो क्योंकि इसकी नाटनाटी हमने जापानीज करी करिए तो टी भी इस केस में नहीं हो सकता और ऑरेंज जूस का हमें पता है वॉलिन ड्रिंक्स ऑरेंज जूस अगर इसकी नेशनलिटी जापानीज है तो ये पेंटर है तो ये पेंटर है तो ये वॉलिनिस्ट नहीं है वॉलिनिस्ट नहीं है तो ये ऑरेंज जूस भी नहीं पी सकता तो अगर मैं इसकी नेशनलिटी की जापानीज अज्यूम करता हूं तो मेरे तो ड्रिंक में कोई केस बचा ही नहीं सारे कैंसल आउट हो गए तो इससे मैं क्या कह सकता हूं किसकी नेशनलिटी जापानीज भी नहीं हो सकती क्योंकि ड्रिंक कुछ बचेगा ही नहीं तो इसकी नेशनलिटी क्या होगी इटालियन थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने जो ऑलरेडी कंडीशन थी जो हमको यूज कर चुके हैं जिनका आगे यूज नहीं होने वाला है वो मैंने इरेज कर दी है तो इसकी नेशनलिटी होगी इटालियन इटालियन हो गई तो इसकी ड्रिंक भी हमें पता चल गई टी और अब हमारे पास आते जॉब जॉब में था या तो पेंटर या तो वॉलिस्ट या तो फिजिशियन पेंटर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पेंटर जापनीज है वॉलिनिस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऑरेंज जूस है तो क्या बचा फिजिशियन तो मेरे को हाउस टू की भी नेशनलिटी जॉब हाउस का पता चल गया अब मुझे पता है कि मेरे को इसका पेट नहीं पता लेकिन इसका पेट मुझे पता है डॉग नहीं हो सकता स्नेल नहीं हो सकता और हॉर्स नहीं हो सकता क्या क्या हो सकता है या तो फॉक्स या फिर जिब्र. अब इन्होंने बोला है फिजिशियन के नेक्स्ट फॉक्स है तो फॉक्स या तो यहां पे भी हो सकती है तो यहां पे भी हो सकती है तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में अब मैं एक और कंडीशन देखूं तो ये कंडीशन मैं देख सकता हूं या तो इसका हाउस कलर क्योंकि व्हाइट के जस्ट नेक्स्ट में ग्रीन है तो जो हाउस थ्री है या तो ये मेरा वाइट होगा या फिर ये रेड होगा तो दो कंडीशन है ये क्या क्या हो सकता है या तो वाइट हो सकता है या तो रेड या फिर ग्रीन एंड ये वाला क्या हो सकता है ये वाइट नहीं हो सकता तो ये ग्रीन या फिर रेड और ड्रिंक भी हमारी तीन हो चुके हैं तो बची दो ड्रिंक्स हमारी बची कॉफी और ऑरेंज जूस तो कॉफी इज अलोंग विथ ग्रीन हाउस तो यहां पे भी कॉफी हो सकती है या फिर ऑरेंज जूस तो अब अगर हम देखें हमारे पास हाउस कलर के पास और वाइट और रेड व्हाइट और ग्रीन की दो पॉसिबिलिटीज हैं व्हाइट या तो हाउस थ्री या हाउस फोर में हो सकता है ग्रीन हाउस फोर या हाउस फाइव में हो सकता है अभी जो बाकी की हमारे पास कंडीशन गिवेन है उससे मैं कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिड्यूस नहीं कर पा रहा तो जो मेरा लाइन ऑफ थॉट कहता है वो ये है कि हम दोनों एक एक बार अज्यूम करके चलते हैं पहले हम एज्यूम करके चलते हैं कि वाइट हाउस थ्री में है उसके बाद हम अज्यूम करेंगे वाइट हाउस फोर में है एंड कहीं पे भी एक हमें कॉन्ट्राडेशन मिल गई तो हमें पता चल जाएगा कि ये गलत है और अब मैंने कि जो हाउस थ्री है दैट इज चलो वाइट अज्यूम कर लेते हैं इसको वाइट ठीक है तो अगर ये वाइट हो गया हमें पता है वाइट के जस्ट राइट में ग्रीन है तो ये ग्रीन हो जाएगा ग्रीन हो गया तो ये रेड बच गया अब देखते हैं अब हमें क्या क्या पता है इंग्लिश मैन लिव्स इन रेड हाउस तो रेड है तो ये इंग्लिश मैन ग्रीन हाउस में जो है दैट ड्रिंक्स कॉफी ग्रीन हाउस कॉफी तो अगर ये कॉफी तो लास्ट वाला क्या बचा ऑरेंज जूस ऑरेंज जूस के साथ क्या पता है वॉलिनियस ड्रिंक्स ऑरेंज जूस तो ऑरेंज जूस तो यहां पर अब स्पानिया डोन्स डॉग तो क्योंकि इंग्लिश मैन तो इसके जो पेट है वो डॉग नहीं हो सकता हॉर्स नहीं हो सकता फॉक्स नहीं हो सकता क्या बचा स्नेल स्नेल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो फोटोग्राफर के साथ है तो सिर्फ जेबरा बचा तो मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं वाइट कंज्यूम करके चल तो जेबरा मेरा हाउस में आ रहा है हम चाहे तो हम अपना यहीं रोक के आगे नेक्स्ट uh, कर सकते हैं बट दैट वुड बी इनकम्प्लीट क्यों क्योंकि जो बाकी की कंडीशन है हो सकता है कोई आ रहा होगा तो हम आगे भी एक बार चेक करते हैं इन्होंने बोला है डॉग तो स्पाइनियर मेरा दोनों में से कोई भी हो सकता है वहां पे आ गया तो यहां पे भी जेबरा नहीं हुआ तो यहां पे आ गया फॉक्स तो यहाँ पे हमारा फॉक्स नहीं है चलो मैं मिटाता नहीं क्योंकि हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है यहां पे? क्या क्या नहीं हो सकता फॉक्स नहीं हो सकता हॉर्स नहीं हो सकता नहीं हो सकता क्या बचा स्नेल या फिर डॉग इन दोनों में से कोई होगा मेरा सिमिलरली यहां पे भी दो ही ऑप्शन बचते हैं या तो स्नेल या फिर डॉग अब हम यहां से शुरू करते हैं स्पानियर्डर डॉग तो यहां पे स्पानियर्ड हो सकता है जापानीज भी हो सकता है ये भी स्पानियार्ड भी हो सकता है जापानीज भी हो सकता है तो अब मैं इस अजम्पशन के अंदर एक और अजम्पशन बनाता हूं कि ये स्पानियर्ड है अगर ये स्पानियर्ड है तो ये डॉग है तो ये इसका प्रोफेशन क्या हो जाएगा फोटोग्राफर नहीं हुआ प्रोफेशन मेरे दो बचे हैं फोटोग्राफर या फिर पेंटर अब अब ध्यान से देखो आप अब अगर मैं अज्यूम करूं कि मैंने स्पान लिया है तो अगर स्पान लिया है तो डॉग डॉग लिया है तो फोटोग्राफर नहीं हो सकता फोटोग्राफर नहीं हो सकता तो पेंटर पेंटर है तो जापनीज तो ये जमशन मेरी गलत हुई तो ये स्पान नहीं हो सकता तो होगा जापानीज अब जापानीज का देखते हैं अगर ये जापानीज है तो ये पेंटर है अगर ये पेंटर है तो उसके पास डॉग है जो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि डॉग तो स्पाइन के पास है तो मैं देख सकता हूं कि यहां पे तो मैं एक डेड एंड पे आ गया ये कंडीशन मेरी ठीक नहीं बैठ रही

पहले इसको अज्यूम करा कि स्पानियर है फिर मैंने अज्यूम करा जापनीज है लेकिन मैंने दोनों केस में क्या देखता हूं ये पॉसिबल नहीं है हमें दोनों केस में कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है हमें पता है कि डॉग एंड इज अ पेंटर फोटोग्राफर चेंज तो इन सब का यूज करके हम देख सकते हैं कि यहां पे तो एक डेड एंड है है तो हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्बन थी दिस इज अ व्हाइट हाउस दैट कम्स आउट टू बी रॉन्ग तो अगर ये वाइट नहीं होगा तो ये क्या होगा रेड तो अब हमें पता है कि हाउसरी इज रेड मैं इसको एकदम क्लियर लिखता हूं दिस इज रेड अगर ये रेड है तो ये मेरा हो गया ग्रीन अगर ये ग्रीन है तो ये मेरा वाइट ग्रीन ड्रिंक्स कॉफी तो हमारी हाउस फोर की ड्रिंक आएगी ऑरेंज जूस इसको मैं ओजे से ही लिख रहा हूं अब ऑरेंज जूस हमारे एक और कंडीशन पता थी वॉलेनेस्ट ड्रिंक्स ऑरेंज जूस तो इसकी जॉब हो गई वॉलेनेस्ट इंग्लिश मैन लिव्स इन रेड हाउस तो इसका इंग्लिश अब हम एक एक करके देखते हैं डॉग ये स्पैनियर्ड हो सकता है या तो ये स्पैनियड हो सकता है Japanese is a painter. तो जापनीज इज अ पेंटर तो जापानीज का ये हो सकता है नहीं तो जापनीज का मैं सिर्फ यहां पर बचा दिस इज जापनीज तो ये हो गया स्पैनियर्ड स्पैनियर डोन्स अ डॉग तो उसका पेट डॉग जापनीज इज अ पेंटर तो कौन सा प्रोफेशन बचा फोटोग्राफर ये फोटोग्राफर आ गया तो फोटोग्राफर ब्रीड स्नेल्स इसका पेट स्नेल अब इसका पेट क्या आएगा फिजिशियन नेक्स्ट इज फॉक्स तो फिजिशियन के नेक्स्ट में यहां पे स्नेल आ गया तो फॉक्स यहीं पे आ सकता है सिर्फ अब पेट का सिर्फ एक एमटी बचा है ज़ेब्रा। एंड फाइनली हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है हमारे सारे सेल फिल हो चुके हैं एंड इस केस में हमें कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिली सो so, ये हमारा सही जवाब है तो हम देख सकते हैं हमारा ज़ेब्रा कहां पे आया फाइनल आंसर हाउस फाइव और मिनरल वाटर हाउस वन फॉर्चुनेटली इस केस में जेबरा हमारा जो हमने एजेंप्शन यहाँ से, से शुरू करी थी रेड या वाइट की दोनों केस में जेबरा यहीं आ रहा था बट जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है वो हमारा यही बना है हमारे सारे सेल्स फिल हो चुके हैं हमें हर एक हाउस की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है तो आप देख सकते हो कि लॉजिकल थिंकिंग से हम कैसे इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं हम एक कंडीशंस का यूज करके बाकी कंडीशंस हम कैसे ग्रुप करके प्रोपेशनल लॉजिक यूज करके ये हमने ये पजल सॉल्व करा सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी हम आगे भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे सो इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव एन लाइक टू सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज प्लीज़ डू दैट सो दैट यू कैन गेट दी नोटिफिकेशन की हम नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी प्लीज़ प्रेस द बेलाइकन एंड फॉलो ऑन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम फील फ्री टू मैसेज ऑन देयर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो कवर करूँ कोई और क्वेश्चन कवर करूँ तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो सो so, I hope you all are well and uh, keep enjoying, keep learning. Till then, bye bye. See you guys next time.